हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ एकदम नई तरह की बनी हुई भटूरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मैं आटे और आलू का यूज करूंगी, जिससे भटूरे खाने में और ज्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी भटूरे की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। खमीरी हेल्दी भटूरे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, क्योंकि हम इन्हें हेल्दी बनाने वाले हैं। उबला हुआ आलू जिसे मैंने मैश किया हुआ है, ये भी 1 कप है। ये तीनों चीजें मैंने 1 ही कप से मेजरमेंट की हुई हैं। 1/2 कप दही, 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टीस्पून चीनी, नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है खमीर यानी कि यीस्ट, और 1 चम्मच यूज करेंगे हम रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा हमें डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल की अलग से जरूरत होगी। चलिए पहले डो लगा लेते हैं। सबसे पहले हम 2-3 छोटी चम्मच गर्म पानी लेंगे। पानी तेज गर्म होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें हम ये यीस्ट डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे, जिससे यीस्ट अच्छे से फूल जाएगा। सबसे पहले हम 1 चलनी में ये मैदा, ये गेहूं का आटा, सूजी, इन सब चीजों को एक साथ छान लेंगे, जिससे ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ये सब चीजें एक साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद में 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो खमीर वाला मिश्रण था ये भी हमारा अच्छे से फूल गया है। बस अब हम इसमें एक बीच में गड्ढा करेंगे इस तरीके से, और खमीर वाला मिश्रण डाल देंगे। इसी में हम ये नमक डाल देंगे, साथ ही दही भी डाल देंगे, और एक बार इन सब चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिलाएंगे। इसी बीच ये जो आलू था, ये 2-3 मीडियम साइज के आलू हैं जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। इन सब चीजों का हम एक नॉर्मल डो लगाएंगे, जैसे कि हम पराठों के लिए लगाते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज करेंगे, हम इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसी समय हम इसमें 2 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। डो को लगाने के लिए हमें थोड़े से पानी की जरूरत है, सिर्फ 1-2 छोटी चम्मच ये पानी और डाल देंगे और डो को लगा लेंगे। हमें डो लगाने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें उबला और मैश किया हुआ आलू लिया है, दही लिया है। ये डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे खमीर इसमें अपना रिएक्शन कर सके और हमारा डो फूल जाए। 20-25 मिनट बाद हम एक बार मिश्रण को देखेंगे। ये जो हमारा डो था ये थोड़ा सा फूल गया है, लेकिन अगर हम इसकी लोइयां बनाते हैं तो ये हाथ में काफी चिपकेगा। इसके लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेकर हाथ में इस तरीके से मसलते हुए हम इसे 5-6 मिनट तक इसी तरीके से मसलेंगे, जिससे ये एकदम अच्छा चिकना हो जाएगा। 40-45 मिनट हो चुके हैं और ये जो मैंने डो लगा के रखा था ये भी अच्छा फूल गया है। और रखने से पहले मैंने इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंथा था, और उस बीच थोड़ा थोड़ा हम तेल लगाते गए थे। अगर आप खमीरी भटूरे अच्छे बनाना चाहते हैं तो वो 10 मिनट का समय जरूर दें गूंथने के लिए, जिससे अच्छा रिजल्ट आ सके। और बस जैसे हम नॉर्मल भटूरे के लिए पेड़े बनाते हैं, अब ऐसे ही इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और वो भी गर्म है। आप जब भी भटूरे बनाएं ऑयल को अच्छा तेज गर्म करें, और एक फ्लैट सरफेस को हम अच्छे चिकना कर लेंगे। और ये जो हमने लोहा बनाकर तैयार किया था बेलन के साथ, जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल भटूरा बेलते हैं, इसे भी बेलेंगे। और आप बिल्कुल भी प्रेशर का यूज ना करें, क्योंकि ये आटा थोड़ा मुलायम होता है। बस इसी तरीके से हम ये भटूरा बेल लेंगे। साइज थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा आप अपने मन से कर सकते हैं। इसी तरीके से शेप आप चाहे तो गोल बना लें या ओवल, मैंने इसे ओवल शेप में बेला है। और जब रिफाइंड अच्छा गर्म हो जाएगा हम उसमें ये भटूरा डालेंगे। रिफाइंड अच्छा तेज गर्म हो चुका है, बस हमने ये जो भटूरा बेल कर रखा था सावधानी से हम ये डाल देंगे।
हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे जिससे भटूरा फूल जाए, और जैसे ही भटूरा फूलता है हम उसे टर्न कर देंगे। और देखिए हमारा एकदम बढ़िया ये भटूरा सीकर तैयार हो गया है। इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से ही हम और सेक लेंगे। बस सेम प्रोसेस से ही हम एक और भटूरा बेलकर तैयार करेंगे। भटूरों को हम बेलकर नहीं रख सकते, इसलिए हम एक बार में एक ही भटूरा बेल पाते हैं। और तेज गरम ऑयल में ही ये भटूरा डाल देंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे जिससे भटूरा हमारा अच्छे से फूल जाए। और जैसे ही भटूरा हल्का सा फूलता है हम इसे टर्न कर देंगे। और देखिए एकदम बढ़िया हमारा भटूरा फूल कर तैयार हो गया है। एक बार और टर्न कर देंगे। ये भटूरे खाने में जितने टेस्टी हैं उतने ही हेल्दी भी हैं। बस ये देखिए भटूरा एकदम सिककर तैयार है। इसे बाहर निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से ही हमने एक और भटूरा सिककर तैयार कर लिया है। इस भटूरे के सिकने में नॉर्मल भटूरे की अपेक्षा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है क्योंकि हमने इसमें आलू डाला हुआ होता है। और जैसे ही भटूरा सिकेगा हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी खमीरी भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं। आटे के भटूरे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत ही टेस्टी हमारे ये खमीरी भटूरे बनकर तैयार हैं। जिस समय आप इसका डो लगाएं उसे 10 मिनट के लिए जरूर गूंथे, तभी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि गूंथना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना आटा आपका चिपचिपा सा लगेगा। और खमीरी भटूरे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।